नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसा तरीका लेकर आया हूं दोस्तों, जिसकी मदद से आप वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू अपने लैपटॉप टू मोबाइल और मोबाइल टू लैपटॉप में डाटा ट्रांसफर कर सकते हो इजिली। तो आप सभी ने सुना होगा दोस्तों शेयर इट का नाम, ठीक है। मैं जानता हूं दोस्तों इस शेयर इट के टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी बन चुकी है यूट्यूब पर, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों कि शेयर इट का यूज करके आप अपने कंप्यूटर में मतलब अपने लैपटॉप में और अपने मोबाइल फोन में डाटा ट्रांसफर किस तरह कर सकते हो अपने लैपटॉप टू मोबाइल और मोबाइल टू लैपटॉप में, ठीक है। लेकिन शेयर इट की जो वीडियोस है दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल है बहुत सारी, इस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन मैं आप सभी को एक तरीका ऐसा बताने वाला हूं दोस्तों, उन वीडियोस का अगर आप वॉच करोगे तो उसमें बताया है कि किस तरह आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो शेयर इट का यूज करके अपने लैपटॉप टू मोबाइल में, ठीक है। लेकिन उसमें होता क्या है दोस्तों, उस केस में जब हम हमारे मोबाइल को कनेक्ट करते हैं हमारे लैपटॉप से शेयर इट के थ्रू, तो वो वहां पर कनेक्ट ही नहीं होता है। उसमें कनेक्ट होने को मतलब लैपटॉप टू मोबाइल और मोबाइल लैपटॉप को कनेक्ट होने में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने में बहुत दिक्कत आती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं आज के वीडियो में आप सभी को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, जिसकी मदद से आप शेयर इट में अपने डिवाइस को अपने लैपटॉप के थ्रू बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाओगे और बहुत ही आसानी से वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू डाटा ट्रांसफर कर पाओगे अपने लैपटॉप में, ठीक है, मोबाइल टू लैपटॉप और लैपटॉप टू मोबाइल, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे दोस्तों कि किस तरह शेयर इट का यूज करके हम हमारे लैपटॉप में मोबाइल के जरिए या फिर मोबाइल टू लैपटॉप या फिर लैपटॉप टू मोबाइल में हम डाटा किस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू शेयर इट का यूज करके, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा दोस्तों, आपके मोबाइल में अगर शेयर इट नहीं होगा तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन विंडोज के लिए शेयर इट का सॉफ्टवेयर किस तरह डाउनलोड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को वो दिखा देना चाहूंगा। तो आपको सिंपल आ जाना है वेब ब्राउजर में, आके आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आप जैसे आ जाओगे दोस्तों, यहां पर आपको शेयर इट टाइप करना है, शेयर इट फॉर विंडोज, ठीक है, Share it for Windows आपको टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो आपके सामने एक लिंक ओपन हो जाएगी दोस्तों, आपको ड्रैग करते हुए नीचे आना है और ये लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देगी www.yeshareit.com। ये लिंक जो आपको दिखाई देगी दोस्तों, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इस लिंक को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करके आओगे इस वेब पेज पर, तो दोस्तों मैंने ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप सीधा उस पर क्लिक करके इस वाले पेज पे आ सकते हो। ये है शेयर इट की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप चाहो तो शेयर इट को डाउनलोड कर सकते हो फॉर विंडोज। यहाँ पर आप देख पाओगे इस कर्सर को आप यहाँ पर ले जाओगे तो यहाँ पर आप ओएस सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी विंडोज के लिए चाहिए, मैक ओएस के लिए चाहिए, एंड्रॉयड, आईओएस और यहाँ पर विंडोज फोन के लिए चाहिए, या फिर यहाँ पर बहुत सारी ओएस दे रखी है, तो आपको जो ओएस के लिए चाहिए आप वो सेलेक्ट यहाँ पर कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम विंडोज करते हैं और उसके बगल में आपको डाउनलोड का दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने नीचे के साइड में आप देख पाओगे यहाँ पर डाउनलोडिंग को लग जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, या फिर आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे यहाँ से आपके ओएस चूज करोगे तो आपके सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोडिंग को लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। मैं फिलहाल इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। उसके बाद में हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे पास में शेयर इट का सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ चुका है, मतलब कि हमने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, आप यहाँ पर देख पाओगे। तो आपको क्या करना है, इस शेयर इट के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है अपने कंप्यूटर में, ठीक है। तो आप देख पाओगे दोस्तों हमारा शेयर इट का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो हम चलते हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर, और मोबाइल के स्क्रीन पर आकर मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारा डिवाइस लैपटॉप के शेयर इट के साथ में, मतलब कि उसकी क्या प्रोसीजर है, मैं आपको सभी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखा देना चाहूंगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर, तो आप देख पाओगे यहाँ पर आपको मोबाइल में अपने शेयर इट का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, तो हमने हमारा शेयर इट का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है दोस्तों, आप देख पाओगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादातर लोग जो है दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनका जो है डिवाइस शो नहीं करता है, तो वो लैपटॉप के थ्रू हमारे अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको ऊपर जो क्यू आर कोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है, उसमें आपको थ्री ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको कनेक्ट पीसी पर क्लिक कर देना है। तो कनेक्ट पीसी पर हम जैसे क्लिक करेंगे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सर्च मोबाइल डिवाइस, ठीक है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो हम जैसे कि कनेक्ट पीसी पर आते हैं, कनेक्ट पीसी पे हम जैसे ही आएंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा पीसी सर्च मोबाइल, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो हमने उस पर क्लिक कर दिया दोस्तों, तो आपके मोबाइल से एक हॉटस्पॉट यहां पर ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद में हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर,
तो कंप्यूटर स्क्रीन में आने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, नीचे की साइड में सर्च हॉटस्पॉट ऑफ मोबाइल, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर हमारा डिवाइस जो है वो तुरंत ही यहाँ पर डिटेक्ट हो चुका है, ठीक है, आप यहाँ पर देख पाओगे। तो आपका आपको इस पर डबल क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपका जो डिवाइस है वो आपके मोबाइल के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका लैपटॉप जो है वो आपके मोबाइल के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। आप देख पाओगे मोबाइल के साइड में यहाँ पर दिखा रहा है ऑलरेडी कनेक्ट है, मतलब हमारा जो है वो डिवाइस मोबाइल के साथ में कनेक्ट हो चुका है कितने आसानी तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद में मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि किस तरह हम हमारे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फोटोज में आ जाते हैं, और फोटोज में आके हम यहाँ पर आते हैं, फोटोज में यहाँ पर आके आपको फॉर एग्जाम्पल आपको ये फोटो यहाँ पर सेंड करना है, तो हमने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे, तो आप देख पाओगे ऑटोमेटिकली मतलब कितने आसानी से हमारा जो है वो यहाँ पर डाटा ट्रांसफर हो चुका है, मतलब फोटो यहाँ पर सेंड हो चुका है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर देख पाओगे, तो इसको आपको यहाँ पर थ्री डॉट दिखाई दे रहे होंगे, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन कंटेनिंग फोल्डर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो है वो फोटो जो है मतलब जो भी डाटा आप शेयर कर रहे हो वो आ जाएगा आपके कंप्यूटर में, ठीक है। आप देख पाओगे यहाँ पर हमारा ये फोटो आ चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा मकसद था दोस्तों बताने का आप सभी को कि ज्यादातर शेयर इट का यूज आप किस तरह कर सकते हो वायरलेस कनेक्टिविटी के थ्रू डाटा ट्रांसफर करने के लिए आपके लैपटॉप टू मोबाइल और मोबाइल टू लैपटॉप में, ठीक है। और ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों कि किस तरह वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं अपने डिवाइस को अपने शेयर इट के सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर में, ठीक है। तो वो भी कन्फ्यूजन इसमें आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट शेयर इट, ठीक है। आपके वो सारे कॉन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गए होंगे दोस्तों। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको 100% दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।